हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 10th of August और मैं जा रहा हूँ गुड़गांव से फरीदाबाद ऑफिस से। और आज देखिए ये हो रही है पैकिंग, हम जा रहे हैं हिमाचल। तली रोटी हमारे रास्ते में जाने के लिए बनाई है। कहीं जा आपने नहीं था, आपको दिखाऊंगा ना, किसको दिखाऊंगा। मम्मी ने दाल बनाई थी, मैंने चावल बनाए थे। अच्छा मम्मी ने दाल बनाई है, कचौड़ी पूरी नहीं है, कचौड़ी है। ओ वाह मजा आएगा फिर रास्ते में। और हम खाएंगे खाना, मामी का फेवरेट शो चल रहा है अनुपमा। ये देखो कैसा लग रहा है। सच वाले व्यूज दो, जो पहली बार देखा था तब बताया था फोन पे, तब तो गुस्सा कर रहे थे। बताओ नहीं तब तो आप कह रहे थे हम वालों से पूछ के बनाते हैं। और खाना खाते सीधा मैं पैकिंग करने लग गया। वाला बैग ले जाऊंगा सिर्फ, जो छाता में धर्मशाला से लेते ले चलूं। ले चलो। बस ये थोड़ा सा सख्त है इसलिए लगता है बड़ा है, वैसे दोनों बराबर छोटा। मम्मा ये वही लोकल वाले कपड़े में ही रख दूंगा, लोकल के नाम पे बेचना होता है उनको बस कुछ भी, तो बेच रहे थे ये मैंने ले लिया। आज लगाया आपने वो, पता नहीं क्या लिखा है पर मुझे तो अच्छा लगता है वो। मैं छोटे वाला आता है, एक बाइक वाला और एक गाड़ी वाला, मैंने गाड़ी वाला लिया था। चलो चलो चले चले पहन के जाता हूँ, आसानी रहेगी। और जूते डलवा देता हूँ पापा से। हाँ कर दिया, देख लो एक बार। गणेश पति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मंगलमय। इसकी बात कर रहे थे पापा जी कि उन्होंने आज लगाए ये, मैं धर्मशाला से लेके आया था, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं तिब्बतियों के, पता नहीं सिंबल्स होते हैं फ्लैग्स। आगे भाई और पापा बातें कर रहे हैं, किसी को नहीं सकते हैं गाड़ी लगी जाते तो बातें करते करते जाते हैं, पर हमें तो कुछ नहीं करना है। मम्मी सो गई है, मैं भी सो जाता हूँ। नींद तो नाम की आती है आधे घंटे के लिए बस, जहाँ जहाँ जो जो आएगा मैं आपको दिखाता रहूँगा, बने रहिए ऐसे चलने पर। मैंने बोला तो सही मुझे सोने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे हार्डली नींद आती है सफ़र में, और फिर मुझे भूख लगी तो मैं बिस्किट खाने लग गया। और ये देखिए रास्ते में ना हाईवे पे रुक के पापा थोड़ी देर सो भी रहे थे, क्योंकि वो सुबह 3 बजे के उठे हुए थे, उन्होंने बिल्कुल स्लीप नहीं ली थी, लेकिन वो सिर्फ 20 मिनट ही सोए होंगे हार्डली, और फिर उनकी नींद खुल गई और फिर हम फिर चल पड़े। और यहाँ पे मम्मी का ये वाला शॉट मैंने जानबूझ के लिया, ये दिखाने के लिए बचपन में कैसे मैं मम्मी के ऊपर सोते हुए जाता था, और अब मम्मी मेरे पर सो के जा रही है, तो इट फील्स कितना क्यूट वाला इमोशन होता है ना, कि बड़े बड़े हो गए कितनी जल्दी। और बारिश की देखिए बहुत तेज़ हो चुकी थी फ्रेंड्स, और ये हम हिमाचल में ना बिलासपुर पे पेट्रोल भी भरवा रहे थे, और ये हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे भाई कचौड़ियों का जिसमें मामी ने दी थी। तो ये सीन्स थे कि यहाँ पे कितनी ऐसे हमने कितनी जगह देखा मामा, कितनी जगह पे देखा ऐसे गिरा हुआ, कम से कम 3-4 जगह तो देखा है। ओह गॉड ये तो मैंने पहली बार देखा, इतने बारिश बहुत बारिश हुई आज पहाड़ों में, बरसात में ऐसे होता है। मामा मैं भी 2 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे, मुझे तो नहीं दिखा। और इतनी बना के क्यों बोलते हो, इस बार ज्यादा बारिश हो गई है ना। है ना कितना वो बोलती है, थोड़ी सी एकदम वो हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, बताओ अपडेट लाइक कैसे लग रहा है आपको। 11:30 बजे के चले हुए हैं और अभी 10:11 बज गए, इतना लेट तो कभी नहीं हुआ। एज यू नो आप देख सकते हैं, तो कर दिया आपने ये वन लाइन ना, तो अच्छे होते मम्मा आपके, यही माननी चाहिए आपको। फीलिंग ऑसम, आपको ये वेदर अच्छा लगता है? Yes, yes, मम्मा आपको? No. बिल्कुल नहीं, मम्मी को बिल्कुल नहीं पसंद। और मुझसे पूछे मुझे ये वेदर तो पसंद है, लेकिन जो इसके साथ कीड़े मकोड़े निकलते हैं इसमें बरसातों में, तो कि आप देखोगे अभी जब मैं दिखाऊंगा घर में। हाँ देखना, अगर बिच्छू, अगर बिच्छू मिला तो बिच्छू दिखाएंगे। बहुत कॉमन है यहाँ। फाइनली जेसीबी ने हटा दिया है,
तो हम घर पहुंच सकते हैं अब, फिंगर क्रॉस अब बिना रुके पहुंच जाए। होपफुली मिलते हैं आपसे सीधा घर पे। अभी वहां पे फिर से रुक गई है। हाँ अब पता नहीं कितनी जगह और देखने को मिलेगा। पीछे तीन चार जगह पे तो हमें रुकना नहीं पड़ा क्योंकि जेसीबी ने ऑलरेडी हटा चुके थे, बट उसके बाद पे जिस जगह हम पहुंचे उस जगह पे ऑलरेडी वो लगे हुए थे और अब हमारे साथ साथ वो आगे चल रहे हैं। तो अब जहाँ जहाँ आगे आगे होगा हमें भी चलना पड़ेगा, उनके साथ रुकना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे बरसातों का यही एक सीन है। और फिर लोग मानते नहीं है, आते हैं घूमने के लिए तब भी ट्रैवल करते हैं हिमाचल, जब वो मानते नहीं कि इतनी लैंडस्लाइड होती है वहाँ पे एक्चुअल में। तो बरसातों में ट्रैवल करना पहाड़ों पे इज़ नॉट सेफ एट ऑल। अब मम्मी भी फाइनली बाहर निकल आई है गाड़ी से काफ़ी देर बाद। अब क्या करे बंदा, इतना थक गया होगा बैठे बैठे। चलिए आगे फिर से देख के आते हैं कितना है और क्या। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना ऊपर से गिर कर आया था बारिश के साथ, पानी के साथ। पानी का बहाव बहुत तेज था, पूरी रात भर बारिश हुई थी। क्या कह रहे हैं, चल फोटोज खींचते हैं थोड़ी देर, इस तो कर नहीं सकते, बोर हो रहे हैं। वन लाइफ बेबी एंजॉय। सो गाइस हमारा घर भी दिख रहा है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा घर, ये जहाँ पे मेरी उंगली आ रही है ना, ये हमारा घर है। और यहाँ पे जाना है बस, भगवान जी पहुँचा दो जल्दी से। मुझे लगता है ये लास्ट है, इसके बाद फिर हम निकल जाएंगे। और यहाँ पापा अपने क्लास फेलो / कॉलेज फेलो से बात कर रहे थे। आपने मेरा टैटू देखा? मेरा टैटू मैंने देखा, बताते रहते तेरे की। और जैसा कि मैंने बोला था फ्रेंड्स, हमें आगे और कहीं नहीं रुकना पड़ा, वो हमारा लास्ट था। और जो यहाँ से आगे पक्का रास्ता आता है, हम वहाँ से नहीं जा सकते थे ऊपर अपने घर के पास, तो हमें कच्चे रास्ते से ही जाना पड़ा। हम ये सामान उठा रहे थे और हम फाइनली घर थे।